कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आप लोग को बताए थे कि मेरा वीडियो लगातार आते रहेगा और मैं इस पे मतलब वीडियो पे फिलहाल बहुत एक्टिव हूँ और ध्यान बात दे रहा हूँ। मेरा मेन पर्पस है ब्लॉगिंग करना। ब्लॉगिंग हमको अच्छा लगा, सबसे आसान तरीका लगा, इसलिए मैं ब्लॉगिंग का वीडियो स्टार्ट किया हूँ। और आज हम लोग बाइक से दो आदमी निकल चुके हैं, थोड़ा दरभंगा का कुछ काम था तो दरभंगा की तरफ निकल चुके हैं। दो आदमी हैं, हम हैं और मेरा एक दोस्त है, और सोचे कि रास्ते में एक ब्लॉग मतलब वीडियो बना लें और इससे भी बढ़िया वीडियो आता रहेगा। बस आप लोगों का प्यार दुलार और आशीर्वाद बने रहे। वैसे आप लोग बता कमेंट करके बताते रहिएगा कि शिवम भाई आपका वीडियो कैसा है, कुछ कमी हो तो आप लोग कुछ बताइएगा, हिंट सीख दीजिएगा। काहे कि इस लाइन में हम नए हैं, वीडियो हम शुरुआते किए हैं ना बनाना, और आप लोग कुछ सलाह दीजिएगा। और ऐसे तो आप लोग बताइए कैसे हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरा वीडियो तो अभी फिलहाल कल परसों से बनाना शुरू किया है, बढ़िया ग्रोथ किया है, व्यू गया है, सब्सक्राइबर गया है। वैसे आप लोग देखते रहिएगा और मेरा ग्रोथ आप लोग को तो पता चल ही जाएगा कि कैसा चल रहा है शिवम जी का वीडियो। और चलिए तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। गाइस देखिए, ये दरभंगा के टावर चौक जहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। आप लोग को आगे देखिए टावर का नज़ारा दिखाते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य दिखने में लगता है। ये दरभंगा का फेवरेट चौराहा है। दरभंगा टावर पे हम लोग आ चुके हैं, देखिए क्या नज़ारा है। यही है दरभंगा, दरभंगा टावर, देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। दरभंगा घूमने का मज़ा ही कुछ अलग है। और बताए थे कि हमारे वीडियो में लगातार आते रहेंगे और इससे भी सुंदर वीडियो लाते रहेंगे। बस आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिएगा और सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ वॉइस का कमी आ रहा था ना, तो उस मैक खरीदने वाले हैं, खरीद लेंगे एक दो दिन में, उसके बाद वॉइस अच्छा आता रहेगा। एक भाई ने बोला कि शिवम भाई आपका वॉइस आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा, तो मैक लेने वाले हैं, उसके बाद आवाज़ अच्छा आएगा। अच्छा तो अगले वीडियो में मिलते हैं।